चुकी हैं, बहुत पैसा है, देख लो भाई कितना पैसा है। कुछ पैसे नहीं भरने, अगर ज़्यादा काम होता ट्रकिंग में या मतलब अभी मार्केट में ज़्यादा काम होता तो फिर मुझे भी ज़्यादा काम मिलता, तो मुझे नहीं मिल रहा था मतलब मार्केट में भी नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि भाई ट्रकिंग में आपको हर टाइम आपके पैसे बनते रहेंगे, हर टाइम आपको इनकम बनी रही, ऐसा गाइज़। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप आप सब ठीक हो गए। तो गाइज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना यार, मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से मेरा गला भी बैठा हुआ है ना, तो थोड़ा इग्नोर करना आवाज़ को। यहाँ मैंने ट्रक ट्रेलर कनेक्ट कर दिया है, इंस्पेक्शन भी कर लिया है, ट्रेलर के लैग्स भी उठा दिए हैं और वायर वगैरह सब कुछ लगा दिया है, बस अब थोड़ा टाइम वेट करना है और इसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं अपनी डिलीवरी के लिए। अपनी डिलीवरी है मिसिसागा, पहले मिसिसागा जाना है, वहाँ सारा डिलीवर करना है, उसके बाद वहाँ से पिकअप मिलेंगे नए। कि कहाँ पे पिकअप होंगे पता नहीं, अभी बताया नहीं डिस्पैच ने, मुझे सिर्फ इतना बताया कि यहाँ से जाना है मिसिसागा, डिलीवरी करो पहले, उसके बाद अपडेट करेंगे। तो यहाँ से अभी बजे हैं 7:30, तो 15 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल लेंगे। ट्रेलर्स के लेग्स उठा चुके हैं हम, सब कुछ चेक कर लिया, वायर्स भी लगा दी सारी, अब बस वेट कर रहे हैं थोड़ा। अभी इंस्पेक्शन में मैंने सिर्फ ट्रक की अपडेट करी है, ट्रेलर की अपडेट नहीं करी। अभी 7:21 में करी थी अपडेट, रात अभी 7:26 हुए हैं, तो एटलीस्ट 15 मिनट का गैप रखेंगे बीच में। इंस्पेक्शन मैंने दोनों चीज़ की कंप्लीट कर ली है, बट मैं गैप रखता हूँ लॉग बुक में 15 मिनट्स का, ताकि कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जब कोई चेक करे तो। आई नो आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, क्योंकि यार मेरी तबीयत ख़राब थी पिछले 2 दिन से, मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार हुआ पहले तो मेरे गले में दिक्कत हुई, उसके बाद मैं जुकाम हुआ, कोल्ड हो गया था, उसके बाद मुझे फीवर आया, उसके बाद इतना बीमार हो गया था कि मुझे यहाँ से कार से छुट्टी लेनी पड़ी थी। ये बात मंडे की है, मंडे को मैं जल्दी छुट्टी ले गया था, मतलब कि नहीं मंडे को नहीं, मंडे ठीक था, ट्यूसडे को मैं बीमार हो गया था, ट्यूसडे को मैंने हाफ डे लेके ही चला गया था घर पे, वेंसडे की मैंने छुट्टी रखी थी, उसके बाद थर्सडे आ चुका है आज, तो आज मैं थोड़ा मतलब बुखार उतर चुका है मेरा, बट जुकाम और गला अभी भी पकड़ा हुआ है। तो ट्राई करूँगा भाई, जितना काम हो सके काम करूँगा, और आज हाफ डे नहीं ले सकता था इसलिए मैंने मुझे बुलाया था। तो दवाई वगैरह मैं साथ में ले आया हूँ कि भाई बाई चांस बुखार चढ़ा, इन केस मैं काम कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरे को बुखार चढ़ा, थकान हुई, तो मैं गोली वगैरह लेके अपना मेडिसिन लेके जितना कंट्रोल में आ सकता करूँगा और आज की शिफ्ट कंप्लीट कर दूँगा। और आज शाम को नहीं लगा ठीक तो कल बोल दूँगा वापस ऑफ के लिए, वरना काम पर आ जाएंगे। अभी हमने इंस्पेक्शन कर लिए कंप्लीट, अब थोड़ा वेट करेंगे, 15 मिनट का गैप रखूँगा, उसके बाद मैं ट्रेलर की इंस्पेक्शन को अपडेट कर दूँगा इसके अंदर लॉग बुक में, और उसके 5 मिनट बाद हम यहाँ से चल सकते हैं। तो हाँ जी गाइस, तो हम निकल चुके हैं अपने यार्ड से, और हमें लगेंगे अराउंड 60 मिनट्स लगेंगे, मतलब वही 1 घंटे के आसपास लगेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो अराउंड 70 किलोमीटर्स है यहाँ से मेरे यार्ड से डिलीवरी, जहाँ पर डिलीवरी करनी है वहाँ पर, तो 1 घंटा लगेगा हमें ऑलमोस्ट, और अगर ट्रैफिक हुआ बीच में तो थोड़ा और टाइम लग सकता है, बट अभी मुझे मैप शो कर रहा है 57 मिनट्स शो कर रहा है। हाँ जी, तो गाइज मैं अपनी डिलीवरी लोकेशन में पहुंच चुका हूं, और मैंने ट्रक अपना पैकअप करके लगा दिया है, और अंदर गंदे बंदे कह रहे हैं कि आप क्या सिर्फ ड्राइव करते हो क्या, अनलोड नहीं करवाओगे हमारे साथ, अगर ना भाई मेरा काम वो नहीं है, फिर कह रहे कि फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गया मेरे साथ, कह रहा कि फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई ये क्या मतलब होता है कि आप ड्राइवर हो आप अनलोड नहीं करवाओगे। तो भाई मैंने कहा भाई मेरा ये काम है नहीं, मेरी कंपनी मुझे अलाउ ही नहीं करती, कह रहा फिर आप काम करो अपने जगह ट्रक में बैठ जाओ, फिर फायदा क्या आपको, आंख डोने का, मैं कहा भाई मैं तो कौन सा कह रहा हूँ, मैं
मुझे मैं तो पेपर देने आया था, बस अपना पेपर लो अपना, मैं वापस आ गया बैठ के फट में। मतलब लोगों का ऐसा है कि अपनी काम काम निकालने के लिए झूठ बोल देंगे, फालतू में काम दूसरे पे ठोकना चाहते हैं यार। मैंने कई बार देखा यहाँ पे जो बंदे ना कई डिस्पैच, मतलब डिस्पैच तो मुझे, मेरे डिस्पैच से मैंने कन्फर्म कर लेता हूँ, मतलब पहले मैंने कन्फर्म कर लेता हूँ उनसे कि भाई मुझे अलाउड है अनलोड करना या नहीं करना, मतलब किसी में हेल्प करनी होती है या नहीं करनी होती। तो उन्होंने मुझे मना कर रखा है कि भाई मत करना, क्योंकि किसी और का सामान होता है ये, अगर आप अनलोड करोगे, मतलब ऐसा ड्राइवर अनलोड करेगा और मेरे से कुछ चीज़ टूट गई या डैमेज हो गई, तो ये बंदे मेरी कंपनी को बोलेंगे कि आपके ड्राइवर ने ये सब नुकसान किया था, तो आप पे करो, आप उसका फ़ाइन जो भी प्रॉपर्टी डैमेज होता है ना उसका भरना पड़ता है। तो मेरी डिस्पैच ने बोल दिया कि हमारी कंपनी ड्राइवर है, इसको अनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बट ये काम, ये लोग तो सोचते काम चोर है, सोचता कि एक बंदा फालतू खड़ा है, इसको ही पकड़ लेते हैं अनलोडिंग कराने के लिए, अनलोडिंग में हेल्प हो जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा, इनको कम काम करना पड़ेगा, साथ के साथ अगर कुछ टूट भी गया तो इस पे जिम्मेवारी आएगी। तो भाई मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, मैंने बोल दिया भाई मैं तो भाई मुझे अलाउड ही नहीं करने का, मतलब जो है रूल है रूल है भाई। अगर मेरा ट्रक होता, मेरी कंपनी होती, तो मैं कर सकता था, मेरे वो मेरे ऊपर आती फिर बात। बट ये मेरी कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, जो कंपनी वाले कहेंगे डिस्पैच कहेगी भाई, उस हिसाब से मैं काम करूँगा। और कई बार तो क्या होता है, कई चलाक जो शिपर होते हैं, कई चलाक होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं किसी पे डिलीवरी लेने गया हूँ, ठीक है, तो डिलीवरी करने से पिकअप करने गया हूँ, तो वो सोचते हैं कि आओ अंदर और पंप कार्ट से लोड करो। मैं कहा भाई ये मेरा काम थोड़ी यार, मैं मेरा काम थोड़ी पंप लोड करना अनलोड करना, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे को ड्राइवर ड्राइवर रखा हुआ है। वो कहते हैं फिर हम आपकी कंप्लेंट करेंगे आपकी कंपनी में, कर दे कोई दिक्कत नहीं, कंपनी वालों ने मुझे बोला है। तो अगर कंपनी वाले मुझे अभी आगे से फ़ोन करें कि बोले कि भाई तू लोड कर दे या अनलोड कर दे, मैं मना थोड़ी करूँगा। बट ये मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चलाकी करते हैं, आपसे ही अनलोड अनलोड कराने की बात करते रहते हैं। तो भाई अगर आपकी कंपनी अलाउ नहीं करती तो मत करना, फालतू में ही अपनी मेहनत मत करना इतनी एक्स्ट्रा, क्योंकि हमको उस चीज़ के पैसे नहीं मिलते, इनको पैसे मिलते हैं अनलोडिंग अनलोडिंग करने के, इसलिए ये करते हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिलता, हमें ड्राइविंग करने का पैसा मिलता है। कई जगह होती है हैंड बॉम्बिंग करनी पड़ती है, तो उसकी पे अलग होती है, तो अगर वो आपकी पे में इंक्लूड है तो ही आप करना, वरना मत करना, क्योंकि काफ़ी बंदे हैं जो ऐसे सोचते हैं कि एक ही पे में दो तीन काम करवा लें इनसे, तो वो मैं करता नहीं भाई। मुझे शिपर या लोडर जो भी होते हैं ना, जो मुझे बोलते हैं कि भाई आपको करना पड़ेगा, मैं कहा मैं नहीं कर रहा भाई, चाहे बुरा मान भला मान कुछ भी कर, मेरी कंपनी में अलाउड नहीं करती तो मैं नहीं करने वाला। अब यहाँ बैठे हूँ, 15 मिनट की बात है, 15-20 मिनट लगेंगे, तो यहाँ से मैं डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं डिस्पैच को मैंने मैसेज कर दिया था। वैसे तो भाई अंदर से मैं पेपर वेपर दे आया और डॉक नंबर मिल गया मुझे 13। अब मेरे पीछे ही दिख रहे होंगे 13 है, वो मेरा डॉक नंबर है, वहाँ पे मुझे बैक करके लगानी है। तो पहले अपन डोर खोल लेंगे ताकि फिर आप बैक लगा ले फिर हम। ग्लव्स खुल गया एक हाथ पे यार, एक हाथ से ना, तो मैं ऐसे ही खोल लूँगा यार। खुल जा मेरे भाई, पता नहीं क्या इशू है साले के, दोनों टाइट अटकते हैं, अटकते हैं एक साथ। अंदर से ब्लैंकेट भी हटाने पड़ेंगे मुझे, वहाँ पे एंड तक ब्लैंकेट दिख रहे ना, सारे फोल्ड करके साइड में रखूँगा, पहले साइड कर देता हूँ, पिकअप करूँगा उसके बाद फोल्ड करूँगा ना, वरना अभी क्यों टाइम वेस्ट करना। ट्रेलर गेट खोल लिए, अब बस बैक करके लगानी है 13 डॉक पे।
भाई पिकअप तो डन हो चुका है यहाँ से, अब निकलने का टाइम आ चुका है, अभी हम यहाँ से निकलेंगे, अभी मतलब निकलेंगे बट अभी अभी अपने अपने को ना स्ट्रैप्स भी करनी है पीछे जाके ट्रेलर में जाके, तो स्ट्रैप्स करेंगे और ब्लैंकेट भी फोल्ड करने थोड़े से, जो पहले वाली डिलीवरी करी थी ना मैंने उसमें थोड़े फर्नीचर था तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना ब्लैंकेट यूज़ करते हैं ताकि सारे जो एज वगैरह से उनकी ख़राब ना हो, टूटे वगैरह ना कुछ, तो इसलिए ब्लैंकेट यूज़ करे थे। बट जो पिछली डिलीवरी करी थी ना उन्होंने फोल्ड नहीं करे, ऐसे ही फेंक दिए, क्योंकि मैंने उनको मना कर दिया था ना कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा अनलोड करने में, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेट होके मेरे ब्लैंकेट को ऐसे ही फेंक दिया। वरना मोस्टली क्या होता है, हर बार जब भी मैं ऐसे डिलीवरी करता हूँ जहाँ पे कोई ब्लैंकेट्स होते हैं तो लोग फोल्ड कर देते हैं इजीली। मैं वो खा रहा हूँ टॉफ़ी खा रहा हूँ जिंजर वाली, मेरा गला ख़राब है ना तो उसकी वजह से मैं टॉफ़ी खा रहा हूँ, मेरा थोड़ा आराम मिल जाएगा इसलिए। अभी पीछे चलते हैं और अपना जो काम है ब्लैंकेट फोल्ड करने और स्ट्रैप्स करनी वो करके आते हैं। और एक स्ट्रैप्स ले चलते पीछे, ये ले चलते खाली। आई थिंक उन्होंने एक ब्लैंकेट छोड़ ना दिया वहाँ पे, एक ब्लैंकेट पड़ा था, नहीं छोड़ा नहीं है, उन्होंने उधर रख दिया। तो पहले स्ट्रैप्स करेंगे उसके बाद, ये क्या हो गया उसका, कहाँ है वो, यहाँ है, उल्टी साइड था, तो पहले ये ऐसे लगाते हैं उधर की साइड, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, जिसको पता है प्राइम किसका है, प्राइम ड्रिंक किसकी है वो कमेंट में बताओ अगर पता है तो। हाथ नहीं जा रहा अंदर अच्छे से, हाथ जाता नहीं आ रहा, अब ठीक है, इस दूसरी साइड को लगाना है। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता है ये प्राइम ब्रांड किसका है। ओके, यहाँ से ये डाल देते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे वरना इनकी बोटल्स पे डैमेज हो सकता है, इसलिए थोड़ा ही ऐसे करके बस बस, ज़्यादा टाइट नहीं करना क्योंकि बस हमें इतना करना है कि बस ये हिले नहीं अपनी जगह से, जब ट्रक वगैरह में मोड़ूँ तो ये हिले ना, बस हमें ज़्यादा टाइट करके डैमेज नहीं करना होता, और थोड़ी ये लगानी होती है ताकि ये ढीली ना हो जाए। अब ये पड़े हुए ब्लैंकेट्स हैं तो थोड़े ज़्यादा ब्लैंकेट्स ये, बट फटाफट से इसको टाइट इसको फोल्ड कर देते हैं। यार उनका ना 2 मिनट का काम था, ये साथ के साथ कर देते ना तो ठीक रहता, वरना मुझे दिक्कत करती, अब दिक्कत कर दी, अब फ्रस्ट्रेशन निकाल। हाँ तो गाइस अभी ना डिस्पैच का मैंने मैसेज किया था तो वो भी कह रहा था कि यार अभी तो कोई पिकअप है नहीं तो अपना लंच ले ले, अर्ली ब्रेक ले ले और उसके बाद कुछ होगा तो अपडेट करेगा हमें। तो मैं अभी बस आसपास देख रहा हूँ कोई ट्रक स्टॉप हो जो पास में भी हो और टाइम वेस्ट भी ना हो मेरा और मैं जल्दी से पहुँच भी जाऊँ ना। और इसके आसपास तो मुझे एक ही ट्रक स्टॉप मिलेगा, बट देखते हैं आसपास कोई ट्रक स्टॉप मिलेगा तो लगाता हूँ, वरना मैं यही बाहर निकाल के ही लगा लूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर जा ट्रक चलाता नहीं ट्रक को फिर बार बार, वरना वही ना दिक्कत पड़ती है रोड पर ले जाओ ट्रक को, पार्किंग में उतनी ट्रक से कहीं मिलेगी नहीं, और ऐसे कई रोड पर मैं चलते रोड पर लगा नहीं सकता कि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना वहाँ पर नहीं लगा सकता, वरना कोई ना कोई कंप्लेंट कर सकता है। तो जितना लेट मैं यहाँ से निकलूँगा इस वाले जो कंपनी है इसके यार्ड से लेट निकलूँगा ना वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ कह नहीं रहे, मैं यहाँ पर थोड़ा और साइड में लगा खड़ा हो जाऊँगा ताकि आने जाने वाले कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा भी काम बन जाए ना। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ अपने यहीं पर जहाँ पर मैंने पहले पिकअप किया था, और मैंने यहाँ पर लगा लिया IPL मोबाइल में लगा लिया IPL, क्योंकि यार मैं यहीं पे देख लेता हूँ, मेरे को टाइम तो मिलता नहीं घर पे देखने का, और यार यहाँ पे बड़ा महंगा कर रखा है, $50 का रखा है यहाँ पे Hotstar का, तो मैं तो ऐसे ही देख लगा लेता हूँ यूट्यूब पे या कोई फेसबुक पर लाइव लगा लेता हूँ। आज मैं चल रहा है अभी कोलकाता राइट राइडर्स का और आई थिंक राजस्थान रॉयल्स का, तो अभी स्टार्ट किया था मैंने, अभी चालू किया था मैच में, क्योंकि टाइम तो था नहीं मेरे पास, तो अभी मुझे टाइम मिला है 30 मिनट का, उसके बाद डिस्पैच दोबारा बताएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बैठ कर उधर मैच ही देख लेता हूँ।
भाई वेट करते करते ना ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है, और मेरे डिस्पैच का भी मैसेज आया कि भाई, तो अभी ना 1:30 बज गए हैं, ठीक है, तो अभी मेरे डिस्पैच का मैसेज आया कि 2 बजे तक वेट करना, अगर 2 बजे तक कोई पिकअप नहीं आया ना मेरे पास अगर उसने इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी 2 बजे तक, तो मैं वापस कैम्ब्रिज आना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि 2 बजे के बाद अगर तब तक इनके पास कोई कन्फर्म नहीं आया ना, कन्फर्मेशन नहीं आई अगली कंपनी से, तो ये वापस ही बुला लेते मुझे। अगर मैं 2 बजे वापस जाऊंगा तो वही 3-3:30 बजे के आसपास फ्री हो जाऊंगा आज, तो ज़्यादा बड़ी शिफ्ट भी नहीं लगी आज, ऑलमोस्ट 8 घंटे की शिफ्ट लगी है। मुझे लगा यार कम से कम 10 घंटे की शिफ्ट होगी आज, बट आज मैंने काम भी कुछ नहीं किया, पहली डिलीवरी करी थी, उसके बाद सेकंड पिकअप किया था, उसके बाद जब से मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, मतलब 10:30 बजे 11 बजे से बैठा हुआ यहाँ पे, और अभी बज चुके 1:30। तो ऐसे ऐसे टाइप्स के चक्कर पड़ जाते हैं लोकल डिलीवरी में, क्योंकि यार लोकल में अब इतना काम रहा नहीं है जितना पहले लगता था, वो तो मेरी कंपनी मुझे पर आर के हिसाब से देती है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर यही काम मुझे माइल्स के हिसाब से मिले ना, तो भाई कुछ पैसे नहीं बनने। और आजकल होता है क्या, मैं मतलब इससे पहले जो मैं लोकल करता था उसमें माइल्स का सिस्टम था, मतलब माइल्स का भी था और थोड़ा बहुत आवर्स का भी था, बट उसमें पैसे नहीं बनते थे यार, मैंने देखा था कि भाई लोकल में माइल्स में नहीं बनते पैसे। जो कहते हैं ना ट्रकिंग में बहुत पैसा है, देख लो भाई कितना पैसा है, घंटे वेट करने के पैसे मिल रहे हैं बस, वरना तो मुझे कुछ काम के पैसे मिल नहीं रहे यहाँ पे, और ना अगर टायर वो ये ना अगर ज़्यादा काम होता ट्रकिंग में, या मतलब अभी मार्केट में ज़्यादा काम होता तो फिर मुझे भी ज़्यादा काम मिलता, तो मुझे नहीं मिल रहा था मतलब मार्केट में भी नहीं है, तो ऐसा मत सोचो कि भाई ट्रकिंग में आपको हर टाइम आपके पैसे बनते रहेंगे, हर टाइम आपको इनकम बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी के पास ज़्यादा ड्राइवर हो गए और काम इतना कम हो गया, तो वो कंपनी वाले ड्राइवर को निकाल देते हैं कि भाई हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि काम नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे बोल के निकाल देते हैं। तो ट्रकिंग में भी भाई ये सीन हो रखा है, काम अभी कम है मार्केट में, तो सोच रहा था कि भाई सिर्फ बाकी इंडस्ट्री में ही काम कम है या सब इंडस्ट्री में ऐसा हाल है, सभी इंडस्ट्री में ये हाल हो रखा है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्शन वाले कोई कंपनी होगी उसमें काम नहीं होगा तो कोई प्रोडक्शन का आइटम नहीं बनेंगे, और आइटम नहीं बनेंगे तो शिपिंग नहीं होगी तो हमारा काम नहीं होगा, तो इस हिसाब से काम चल रहा है। तो रिसेशन यहाँ पे भी आ चुका है, तो काफ़ी चीज़ों में अफेक्ट कर रहा है सब लोगों को, कर रहा है उसमें से थोड़ा बहुत हमें भी कर रहा हो, पहले नहीं करता था बट अब करने लग गया है, अब दिख रहा है कि भाई अभी तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा भाई कंपनी चेंज करने के लिए या काम चेंज करने के लिए, मुझे पता है भाई जल्दी से कहीं काम मिलना नहीं है, क्योंकि यार मैं देखता हूँ रोज़ पोस्ट पढ़ता रहता हूँ मैं फेसबुक ग्रुप वगैरह पे कि हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई काम नहीं दे रहा, कोई जॉब नहीं दे रहा, क्योंकि यार काम है ही नहीं, समझ रहे हो। अब क्योंकि बहुत भीड़ होते जा रही है यहाँ पे, और आप जब भी देखोगे ना ट्रकिंग स्कूल में इतने बंदे ट्रकिंग लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं बट काम उतना दे नहीं रहे कहीं से, कोई कंपनी इतना काम बना नहीं रही, इतना ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी बोलते हैं कि ड्राइवर की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, बट जब आप जॉब लेने जाते हो या जॉब अप्लाई करते हो ना, कहीं से जवाब नहीं आएगा, कोई आपको रिप्लाई बैक नहीं करेगा, कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा, कोई रोड टेस्ट के लिए नहीं बुलाएगा, तो भाई ये सीन मैं देखा काफ़ी। वैसे बोलेंगे कि भाई ट्रकिंग में ड्राइवर की कमी है, पता नहीं कैसे कमी यार, हमें तो काम मिल नहीं रहा, जो लोग बैठे एक्सपीरियंस है उनको काम नहीं मिल रहा, फिर भी कहते कमी है, समझ नहीं आता वो तो कैसे सीन है। तो अभी यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद आधा घंटा और बैठूंगा, उसके बाद निकल लेंगे यहाँ से, वापस जाऊँगा अपने मतलब यार्ड की तरफ, और वहाँ देखते हैं अगर उनके पास कोई काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो 3:30 बजे अपने घर चले जाएंगे, भाई क्या करेंगे, वैसे भी मेरा गला ख़राब हो रखा है तो मैं ज़्यादा कुछ कर तो रहा नहीं। यहाँ पे मैच था, मैच देख लिया, अपने राजस्थान रॉयल्स जीत चुके हैं भाई, ने बंदा एक जायसवाल करके बहुत तगड़ा खेल रहा था भाई बंदे ने, पता नहीं सिर्फ 13 बॉल्स में या 14 बॉल्स में उसने हाफ सेंचुरी बना दी थी भाई, बहुत कमाल बैटिंग करी उसने, मजा आया खेल के देख के, उसका तो पक चुके हैं मतलब 2-10 हो गए हैं वैसे तो, और अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं डिस्पैच से, टोपी कहाँ रहा है गले वाली, तो कोई अपडेट आया नहीं है, मैंने दोबारा मैसेज किया कि भैया मैं वापस आना स्टार्ट कर दूँ या नहीं,
मेरे ख्याल से वो आना उसका वही जवाब है कि हाँ भाई आ जाओ अब तो स्टार्ट कर दो ना। अगर इनके पास कोई पिकअप होता ना तो अभी तक तो ये पता ही देते, तो ऑब्वियसली इनके पास कोई पिकअप है नहीं तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने फायदा भी नहीं, जल्दी जल्दी निकलते यहाँ से यार बोलते हैं। तो भाई मैं यार्ड आ चुका हूँ, मैंने ट्रेलर भी डॉक पे लगा दिया है, अब पेपर अंदर देके आने हैं। जो मेरे पास पेपर पड़े हैं जो मैं डिलीवरी करके आया था और पिकअप करके आया था ना, उसके पेपर हैं ये, वो अभी अंदर रखने हैं, मतलब डिस्पैच को देके आने हैं, और वो कल का टाइम बता देगा कि भाई कल किस टाइम आना है, या कुछ और काम होगा तो वो भी बता देगा कि भाई आपको कुछ और काम करना है या कुछ, तो मैं फटाफट से अंदर देके आता हूँ। हाँ जी, तो गाइस भाई बोल दिया उन्होंने कि भाई आज के लिए इतना ही है और कल 7:30 बजे आना है हमें। पहले 7 बजे कह रहे थे कि पहले 7 बजे बोल रहे थे कि मुझे कि 7 बजे आना है, बट अब फिर बोला थोड़ी देर बाद कि एक काम करना 7:30 बजे आ जाना, ताकि थोड़ा जो एक ट्रेलर आना होगा कल कल आ रहा है, मतलब कि कई विनीपैक से आ रहा है ना वो, तो ट्रेलर आज रात को पहुँचेगा 11-12 बजे के आसपास, तो फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना सारा सामान, उसके किट्स वगैरह जो भी है पेपर वर्क के साथ, वो कल सुबह तक कर देंगे 7 बजे तक। तो मेरे साथ 7 बजे मुझे मुझे बोला 7:30 बजे आने के लिए, ताकि मैं 8 बजे तक ट्रेलर हुक कर लूँ इस वजह से। तो मतलब ठीक है भाई, 7:30 एक ही बात है, बस शिफ्ट थोड़ी लंबी दे दो यार, मैं कहा इन छोटी शिफ्ट में मज़ा नहीं आता ना, मैं एक तो बीमार हूँ, थोड़ा हल्का हल्का बीमार हूँ, ऊपर से मैं आ रहा हूँ और फिर मैं 8 घंटे में जा रहा हूँ, तो वर्थ ही नहीं लगती फिर वो चीज़। तो कोई नहीं, अब निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी गाइस, तो हम निकल चुके हैं अपने यार्ड से और अब जा रहा हूँ मैं घर की साइड। अब यार बहुत गर्मी है, पता इतना 29 टेम्परेचर है भाई अभी यहाँ पे, और 29 मतलब बताए इंडिया में ऐसा होता 29 कुछ भी नहीं है, बट भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यार हमें आदत नहीं है अपना टेम्परेचर लगा लो 15-16 ऐसा लगता है कि भाई बहुत है, इतना बहुत है, बट नहीं यहाँ पे भी टेम्परेचर हो रखा है 29 डिग्री, मतलब ऐसा फूक रहा है सब कुछ भाई, ऐसा लग रहा है कि बस आग लगने को हो रही है। मैंने अपना एसी बहुत फास्ट कर रखा बिल्कुल कूल पे, ताकि थोड़ी गाड़ी थोड़े टेम्परेचर पे आ जाए। अभी तो मेरे शीशे को भी चला रहा था तब से मैं कहा भाई थोड़ा हवा निकल जाएगी, जो घमस होती है अंदर की वो निकल जाएगी भाई साहब। और ये कह रहे कि इस बार की गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है, वेदर फोरकास्ट आती ना तो वो कह रहे कि भाई काफ़ी गर्मी होने वाली इस बार, तो पिछली बार से ज़्यादा गर्मी होने वाली है, तो भाई देखते हैं। मैं कहा मेरा हालत 29 में ही ख़राब हो गया, तो इससे ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो दिमाग की हो ही जाएगी।